दुनिया की पूर्व नंबर 5 टेनिस खिलाड़ी सारा ईरानी को डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 2 माह के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF ने सोमवार को यह घोषणा की। सारा ने 9 सिंगल्स और 25 डबल्स WTA जीते हैं। ट्वेंटी ट्वेल्व फ्रेंच ओपन की उपविजेता इटली की सारा लेट्रोजोल नामक प्रतिबंधित पदार्थ लेने की दोषी पाई गई, जो कि उन्होंने स्तन कैंसर से बचाव के लिए लिया था। दुनिया की 98वें नंबर की खिलाड़ी सारा का डोप टेस्ट फरवरी में प्रतियोगिता से इत्र किया गया था। तीस वर्षीय सारा ने अप्रैल में एंटी डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने का अपराध स्वीकार कर लिया था। प्रतिबंध 3 अगस्त से प्रभावी होगा, जो कि पिछले महीने एक स्वतंत्र आयोग द्वारा इस मामले की सुनवाई के बाद लगाया गया है। सारा रूसी सुंदरी मारिया शारापोवा के बाद प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन कर प्रतिबंध तोड़ने वाली दूसरी बड़ी महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। तीस वर्षीय शारापोवा पर प्रतिबंधित दफ मेट्रोनियम के इस्तेमाल को लेकर 2016 में 2 साल का प्रतिबंध लगाया था। हालांकि खेल पंचायत CAS ने बाद में इसे घटाकर 15 माह कर दिया था। मारिया शारापोवा ने गैर वरीय खिलाड़ी के तौर पर अप्रैल में स्टुटगार्ट ओपन टूर्नामेंट के जरिए प्रतिस्पर्धी टेनिस में वापसी की है। Thanks for watching. Leave a like and share with your friends if you enjoyed. And please don't forget to subscribe.